हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप हमें देख रहे हो संदीप टेक दोस्त पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, काफी लोगों के गूगल एडसेंस पे दिक्कत आ रही है। जब वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं तब उनके चैनल में दिक्कत आ रही है। वाइटी स्टूडियो में जो स्टेप टू होता है, अर्न ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर स्टेप टू का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर काफी लोग अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं तब उनके चैनल पे दिक्कत आ रही है, और काफी लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है फिर दिक्कत आ रही है। और क्या दिक्कत आ रही है और उसको कैसे सोल्व करना है, इस वीडियो में सब बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है आपको, स्किप करके नहीं भागना है, स्किप करके नहीं देखना है या फिर छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है? तो वहां पर दिक्कत क्या आ रही है सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ, और फिर उसके बाद में ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस लिए आती है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, सब बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए आपको बिना इसके वीडियो देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, देखते हो यहाँ पर आपको इस स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टेप टू वाला ऑप्शन अर्न ऑप्शन पे मैं गया तो यहाँ पर दिख रहा है सेटअप एडिशन फॉर यूट्यूब, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है, योर एसोसिएट एडिशन फॉर यूट्यूब अकाउंट वाज डिसअप्रूव्ड, दिस माई वी डू टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, योर रिसेंट मेल फ्रॉम एडिसन नॉर्मली अदर gmail.com हैज मोर डिटेल, इस तरीके से दिख रहा है। और इधर भी एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये भी बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम प्रॉब्लम आई है। और अब जो इधर वाला स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 दिन चाहिए होंगे, मैं सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। लेकिन जो इधर वाली प्रॉब्लम दिख रही है, इस प्रॉब्लम में मेरे को काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, काफी लोगों की मैं प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, इसलिए इस वाले प्रॉब्लम में टाइम भी लग सकता है, काफी टाइम लगता है, 10, 15, 20, 25, वैसे तो 32 दिन का समय होता है, लेकिन जिस हिसाब की आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से मैं लेता हूँ, काफी लोगों की मैं प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। इसलिए मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ आपसे, कोई भी हेर फेर नहीं कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें आप भी स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए ताकि आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो सोल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से आप सोल्व कर पाए, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद सारी ये प्रॉब्लम आप सोल्व करना सीख जाएंगे, ठीक? अब दोस्तों ये सारी सेम प्रॉब्लम है। अब दोस्तों यहाँ पर बात क्या आती है, इन प्रॉब्लम में इस वाली प्रॉब्लम में समय लगता है, इस वाली प्रॉब्लम को मैं 4 से 5 दिन में सोल्व कर देता हूँ, काफी लोगों को करता हूँ तो उन लोगों को पता होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो जो ये प्रॉब्लम है ना इधर वाली, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हो एक ऑप्शन मिलता है फिक्स इन एडिशन फॉर यूट्यूब, यानी कि YOU... लिखा है, ये यूट्यूब ही है, ठीक है? और जो इधर वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर भी यही सेम लिखा मिल जाता है, फिक्स इन एडिशन फॉर यू डॉट डॉट, इस तरीके से। और इधर वाले पे देखते हो, इधर वाले पे ये जो चेंज अकाउंट का ऑप्शन है वो ग्रे कलर का है, ठीक है, हाईलाइट नहीं है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक नहीं होगा। और इधर वाला जो ऑप्शन है देखते हो, इसमें चेंज अकाउंट का ऑप्शन है इधर में, तो उस पे है ना हाईलाइट है, अगर मैं इस पे क्लिक करना चाहूँ चेंज अकाउंट पे तो ये क्लिक हो जाता है, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो क्या है कि मैं क्या करता हूं आपका, तो अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब यह प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपके नाम से कोई दूसरा गूगल एडिसेंस अकाउंट बना हुआ होता है, कोई भी बना हो, कभी भी अभी आपने बनाया हो लेकिन बना है, तो इसलिए मुझे क्या है यह प्रॉब्लम सोल्व करने में काफी दिक्कत आती है। और इसमें क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता नहीं कि आपका गूगल एडिसेंस पे किस जीमेल आईडी से आपका गूगल एडिसेंस अकाउंट बना है या नहीं बना है, मुझे मतलब पता करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि एक नया किसी का भी एक गूगल एडिसेंस अकाउंट आप बना लो कि जिसके नाम से कभी बना हुआ ना हो, क्योंकि गूगल एडिसेंस का रोल होता है कि गूगल एडिसेंस की वेबसाइट पे जाके आप एक ही गूगल एडिसेंस अपना बना सकते हो अकाउंट, उसके अलावा दूसरा बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी गूगल एडिसेंस अकाउंट बनाओ
तो वो एक नए व्यक्ति के नाम से बना लो। जब भी ये आपके चैलेंज पर प्रॉब्लम आती है तब मैं बताता हूँ कि एक नए व्यक्ति के नाम से बना लो जिसने कभी भी अपना गूगल एडिसेंस अकाउंट बनाया ना हो। और वो अभी आपको लिंक नहीं करना है, खाली गूगल एडिसेंस की वेबसाइट पे जाके बनाना है। लिंक कर दोगे तो फिर आपको फिर से प्रॉब्लम आ सकती है, अगर उसके नाम से भी बना निकला या फिर कुछ भी मिस्टेक हुई तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको एक गूगल एडिसेंस की वेबसाइट पे जाके आपको एक नया गूगल एडिसेंस अकाउंट बना लेना है। जब गूगल एडिसेंस अकाउंट अपलोड हो जाएगा, अब जैसे कि गूगल एडिसेंस अकाउंट तो अपलोड हो जाता है कितने दिन में, 2 से 3 दिन में। और ये जो प्रॉब्लम आती है इसमें जो एडिसेंस जो चेंज अकाउंट का ऑप्शन है ये मिलता है आपको 32 दिन बाद, अब हाईलाइट होता है, मतलब इस पे क्लिक कर सकते हो। और इधर वाले में ये हाईलाइट पहले से ही रहता है, क्योंकि चेंज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, क्लिक हो जाता है उस पे, तो ये हाईलाइट पहले से रहता है। क्योंकि मैं 1 से 2 दिन में गूगल एडिसेंस अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में इस पे लगा देता हूँ, बस आपका चैनल मोनेटाइज। और इसमें होता है ये जब चेंज अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं हाईलाइट है तो मैं आपकी प्रॉब्लम ठीक कैसे कर पाऊंगा, सोल्व करके कैसे दे पाऊंगा। तो इसीलिए इधर वाला है ना मैं जल्दी कर देता हूँ, इधर वाले में मैं टाइम लेता हूँ जब तक वो हाईलाइट नहीं होता है चेंज अकाउंट का ऑप्शन। और ये जब हाईलाइट होगा तब आपकी प्रॉब्लम जो ये आई है उसके 32 दिन हो जाएंगे तभी हाईलाइट होगा। उस इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा छेड़छाड़ आप कर देते हो तभी ये इस तरीके का दिखने लगता है। और एक दो बार छेड़छाड़ करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका हमेशा हाईलाइट रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तुरंत क्लिक हो जाएगा। इस तरीके से यूट्यूब का रूल होता है। तो इसीलिए इस वाले प्रॉब्लम में समय नहीं लगता हमें सोल्व करने में, इस वाले में ज्यादा समय लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप में से काफी लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जो फिक्स इन एडिसेंस फॉर यू डॉट डॉट वाला ऑप्शन है ना, ये तो हाईलाइट है इधर भी, तो इस पे जाके हम क्यों नहीं सोल्व कर देते इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों यहां से भी हो जाता है, सोल्व हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। यहाँ से भी अगर फिक्स इन एडिसेंस फॉर यू डॉट डॉट पे जाकर के मैं सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। क्योंकि आप यार काफी ज्यादा मेहनत करते हो अपने चैनल पे, तब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा पाते हो, फिर आपके चैनल पे कोई दिक्कत आ जाए तो उसको कैसे यार बर्दाश्त कर पाओगे आप। यहाँ पर फिक्स इन एडिसेंस पे जाकर के सोल्व करने का मतलब हुआ ना काफी रिस्क लेना हुआ। अगर फिर से किसी के नाम से गूगल एडिसेंस बना हुआ निकला तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर एडिसेंस अकाउंट हाईलाइट मतलब चेंज अकाउंट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर किसी के नाम से जिसके नाम से भी आपने मतलब एडिसेंस में चेंज वगैरह किया, अगर उसका डिसेबल हुआ होगा पहले से तो उसका परमानेंट के लिए डिसेबल हो जाएगा, तो आप कभी भी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। तो यही सब चीजें हैं, यही सब रीजन है, इसलिए मैं आपके चैनल के ऊपर रिस्क नहीं लेता हूँ और ना ही कुछ भी मतलब गलत तरीके से कोई भी चीज करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं जो भी होता है ना मैं आपको रियल बता देता हूँ कितना समय लगेगा, कब हो जाएगा आपका, इस तरीके से मैं करता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आप भी अगर अपने आप से करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना एड्रेस सही करना चाहते हो कर लो अपने आप। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, और अगर हमसे सॉल्व करवाना चाहते हो इस प्रॉब्लम को तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जो व्हाट्सएप नंबर है ना मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा, और उस पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को देख लूंगा, उसके बाद में मैं आपकी सॉल्व करने की फुल कोशिश करूंगा, सॉल्व करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।